हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स, कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ CBI ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। दोनों पर ये आरोप है कि मेसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए 2014 से 2017 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29,41,00,000 रुपए की ठगी की गई है। जांच एजेंसी ने पटवा के भोपाल और इंदौर स्थित परिसरों में शुक्रवार को तलाशी लेकर धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं CBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा इंदौर की शिकायत पर सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही कंपनी के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है। सारा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी पर यह FIR दर्ज की गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, CBI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो मध्य प्रदेश के सरकार के जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कूट रचे दस्तावेजों सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है। दोनों पर आरोप है कि इंदौर में जो मैसेज पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में भगवती पटवा ऑटोमोटिव इंदौर प्राइवेट के डायरेक्टर रहते हुए इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29,41,00,000 रुपए की ठगी की है। जब इस ठगी का खुलासा हुआ तो जो RBI है, RBI ने जालसाजी की सूचना CBI को दी थी। इसके बाद जांच के बाद ये CBI ने इनके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। बताते हैं कि साल 2014 से साल 2017 के दौरान कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29,41,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। इनमें कंपनी के IDBI बैंक के द्वारा जो प्रदान की गई ओवर जो उसको कहेंगे ओवर क्रेडिट की जो सुविधा थी उसको इन्होंने 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 36 करोड़ ऋण की राशि की जो समय अवधि थी उसको बकाया बताते हुए उसका हवाला दिया था और 2 मई 2017 को ये NPA भी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये FIR दर्ज की गई है। CBI ने इसमें स्वयं पटवा, उनकी पत्नी मोनिका पटवा और कंपनी के जो सहकर्मी है MS पटवा, उनके साथ एक बैंक कर्मी है लोक सेवक, उनके खिलाफ ये CBI ने FIR दर्ज की है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र।